शेयर बाजार में ऑप्शन ट्रेडिंग एक जोखिम भरा ट्रेडिंग होता है। अगर आपने ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा पैसा गंवा दिया या लॉस कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, गारंटी से आपका लॉस कवर हो जाएगा। दोस्तों, आपका ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस हो चुका है और आप लॉस रिकवर करने के चक्कर में ट्रेड करेंगे तो आपका बड़ा लॉस हो सकता है। तो सबसे पहले इस बात को अपने मन से हटा लेना है कि लॉस रिकवर नहीं हो सकता मार्केट में। अगर आपको लॉस रिकवर करना है तो जैसे कोई भी दुकानदार अपनी दुकान में 5 से 10 लाख का माल रखता है और उसकी एक्सपेक्टेशन 2 या 4% प्रॉफिट की होती है। अगर आपको लगातार लॉस हो रहा है तो आपको कुछ दिनों के लिए, जैसे 10 या 15 दिन के लिए ट्रेडिंग को बंद करना पड़ेगा। उसके बाद रिलैक्स माइंड सेट और डिसिप्लिन के साथ आपको ट्रेडिंग करना है। एक मेरा सेटअप है दोस्तों, जो वीडियो के लास्ट में आपको मैं बताऊँगा, जिससे आपको थोड़ा हेल्प हो जाएगी ट्रेडिंग करने में। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक ही बात बता देता हूँ, अगर आपको बड़ा लॉस हो गया है तो आपको ये चीज़ जानने की ज़रूरत है कि आपने किस चीज़ों के कारण लॉस किया। अगर आप लॉस में हो तो आप अपने कारण से लॉस में हो, ना कि मार्केट के कारण से। जिस कारण से आपने लॉस किया उसको बार बार नहीं दोहराना, एक नोटबुक में लिखना है कि किस कारण से मैं लॉस में रहा, किस कारण से मैंने ट्रेड ली थी, ये सब कुछ एक नोटबुक में लिखना है। और जिन चीज़ों के कारण आपका लॉस हुआ है वो सभी चीज़ें आपको दिमाग से निकाल देना चाहिए, क्योंकि ट्रेड के दौरान दिमाग में बार बार लॉस रिकवरी का ख्याल से लॉस रिकवर नहीं होगा, बल्कि जो अगली ट्रेड है उस पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। और एक फ्रेश माइंड के साथ ट्रेडिंग करना चाहिए, पिछला सब कुछ भूल कर। दोस्तों, अब आपको एक सेटअप बता देता हूँ। दोस्तों, मैं अच्छा हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पर एंड मैंने चार्ट ओपन कर लिया है। मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पर ट्रेड करता हूँ रिवर्स में, क्योंकि मुझे पता है साइकोलॉजी ऑपरेटर की, उस हिसाब से मैं इसमें ट्रेड करता हूँ मेरे सेटअप के हिसाब से। दोस्तों, मैं सपोर्ट लगा देता हूँ, रेजिस्टेंस लगा देता हूँ। मैं 1% के साथ ट्रेड करता हूँ, 1% के लॉस के साथ। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो जो मैं डाउन साइड के लिए एंट्री बनाता हूँ, एंड सपोर्ट का ब्रेकआउट होता है तब भी मैं 1% के साथ अप साइड के लिए एंट्री बनाता हूँ। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में।